दोस्तों, पिछले वीक जो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो डाला था, उसके अंदर हमने आपको क्लियरली बताया था कि निफ्टी एक रेंज के अंदर काम कर रहा था पिछले 8 दिनों में, और निफ्टी ने उसका शुक्रवार को ब्रेकडाउन दिया था। उस हिसाब से निफ्टी का टारगेट आ रहा था 10,950 का। निफ्टी जब सोमवार को खुला तो उसने उसी दिन 10,950 का टारगेट हासिल कर लिया। उसी वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि 10,850 निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है, और आप देख सकते हो 10,880 का लो लगा के निफ्टी वहाँ से 11,250 तक ऊपर आ गया। तो इससे आपको पता चलता है कि वीडियो के अंदर जो हम आपको निफ्टी के टारगेट्स देते हैं वो कितने सही होते हैं, उसी तरह से हमने दिए हुए सपोर्ट कितना अच्छे से काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें और सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल को समझ कर लिया करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ वो भी मुनाफा कमा सके। दोस्तों, अगले हफ्ते हमें लगता है निफ्टी उसके पुराने हाई 11,350 को टच कर सकता है, यानी कि निफ्टी यहाँ से और ऊपर जा सकता है, और उसके लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा 11,130 से 11,150 का, यानी कि ये लेवल्स के पास अगर निफ्टी फिर से आता है तो वो एक अच्छा खरीदारी का जोन होगा, जहाँ से उसका टारगेट 11,350 होगा। अगर दोस्तों निफ्टी 11,350 तक ऊपर आ जाता है तो उसके लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस 11,380 होगा, जो हमने आपको पिछले शनिवार के वीडियो में भी बताया था कि रेक्टेंगल पैटर्न के ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। दोस्तों, ये रेक्टेंगल पैटर्न तब बना था जब निफ्टी में एक बड़ा फॉल आया था। उसी तरह से 11,380 निफ्टी का 78.6% फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल भी है। अगर निफ्टी आने वाले दिनों में 11,380 के ऊपर टिकना शुरू करता है तो निफ्टी का टारगेट 11,630 के आसपास आ रहा है। चलो पता करते हैं 11,630 निफ्टी का टारगेट क्यों आ रहा है अगर निफ्टी 11,380 के ऊपर बंद होना शुरू करता है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, 28 फरवरी 2020 को निफ्टी गैप डाउन होके खुला था, और निफ्टी गैप डाउन होके 11,382 के ऊपर खुला था। इसीलिए दोस्तों, 11,382 निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। 27 फरवरी 2020 को निफ्टी बंद हुआ था 11,633 पे, और 28 फरवरी 2020 को वो गैप डाउन से नीचे ओपन हुआ 11,382 पे। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, निफ्टी 28 फरवरी 2020 को 250 पॉइंट से नीचे गैप डाउन हुआ था, तो अगर निफ्टी 11,380 के ऊपर बंद होना शुरू करता है तो ये 250 पॉइंट का गैप निफ्टी आने वाले दिनों में भर देगा, जिसका टारगेट 11,630 के पास आ रहा है। 11,630 का टारगेट हासिल करने के लिए एक छोटा रेजिस्टेंस है कि आ रहा है 11,536 के पास। तो अगर निफ्टी 11,380 के ऊपर बंद होना शुरू करता है तो निफ्टी 11,630 के पास जरूर जा सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान बनाए रखें। आने वाले वीक के लिए निफ्टी का सबसे पहला सपोर्ट, महत्वपूर्ण सपोर्ट आ रहा है 11,050 पे। अगर ये सपोर्ट निफ्टी तोड़ता है तो उसका अगला सपोर्ट होगा 10,950। आने वाले वीक के लिए निफ्टी का सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा 11,300, और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 11,380। चलो अब पता करते हैं बैंक निफ्टी के लिए आने वाले वीक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है। जैसे कि हमने आपको पिछले शनिवार के वीडियो में क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी ने उसके एक चैनल से ब्रेकडाउन दिया है, और अब आने वाले दिनों में यही चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है 22,300 से 22,600 के बीच में।
22,600 बैंक निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। अगर ये इसे तोड़ता है तो उसका अगला रेजिस्टेंस 22,850 के पास होगा। बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 21,350 से 21,370 के बीच में है। अगर इसे बैंक निफ्टी अगले हफ्ते तोड़ता है तो उसका महत्वपूर्ण सपोर्ट 21,000 पे आता है। हमें लगता है बैंक निफ्टी भी अगले हफ्ते थोड़ा ऊपर जा सकता है, और इसके लिए हमें जो एक अच्छा ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर दिख रहा है वो ये है कि आप 21,350 से 21,370 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और उसका टारगेट होगा 22,250 का। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर हमने गोल्ड और सिल्वर को भी कवर किया है, तो चलो पता करते हैं आने वाले दिनों के लिए गोल्ड और सिल्वर का हमारा व्यू क्या है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, गोल्ड ने उसके डेली चार्ट पर एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बनाया है। ये बेयरिश रिवर्सल पैटर्न का नाम है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। गोल्ड के चार्ट पर शुक्रवार को जो कैंडल बनी है उसका हाई है 2,075.14 डॉलर का, और उस कैंडल का लो है 2,015.60 डॉलर का। अगर दोस्तों आने वाले दिनों में गोल्ड 2,015.60 को तोड़ता है, यानी कि शुक्रवार का लो तोड़ता है, तो पॉसिबल है आने वाले दिनों में गोल्ड 1,975 डॉलर के पास आ जाएगा। 1,975 गोल्ड के लिए एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि दोस्तों गोल्ड ने 1,975 का लेवल तोड़ने से पहले 5 दिन वहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन किया था, और ये कंसोलिडेशन को गोल्ड ने एक बड़े कैंडल से तोड़ा था। यानी कि दोस्तों 1,975 डॉलर का अभी गोल्ड के अंदर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है जो हमें लगता है आने वाले दिनों में नहीं टूटेगा। अगर गोल्ड आने वाले दिनों में उसका लो ना तोड़ के उसका हाई तोड़ देता है, यानी कि शुक्रवार को जो हाई बना है 2,075.14 डॉलर का उसको तोड़ देता है, तो दोस्तों गोल्ड के अंदर एक बड़ी रैली आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों शुक्रवार को जो पैटर्न बना है वो बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों ने गोल्ड को शॉर्ट किया होगा। और अगर गोल्ड शुक्रवार का हाई 2,075.14 डॉलर तोड़ता है तो ये सारे शॉर्ट्स क्वीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आएगी और गोल्ड और ऊपर चला जाएगा। चलो अब पता करते हैं गोल्ड का इंडिया के अंदर खरीदारी का लेवल क्या है, या फिर गोल्ड का सपोर्ट लेवल कहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, गोल्ड ने उसके अवरली चार्ट पर अच्छा कंसोलिडेशन किया था, और ये कंसोलिडेशन का उसने एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद दोस्तों गोल्ड वहाँ रुका नहीं और वहाँ से और भी ऊपर चला गया। दोस्तों जब भी ऐसा होता है तो वो कंसोलिडेशन जोन डिमांड जोन बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश की, लेकिन जो गोल्ड के अंदर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आया उस वजह से वो अपनी पोजीशन बना नहीं पाए। तो जब भी गोल्ड अभी वहाँ पे रिटर्न आएगा वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और गोल्ड ऊपर चलना चालू करेगा। गोल्ड के अंदर ये डिमांड जोन 53,400 से 53,800 के बीच में आ रहा है। हमें लगता है आने वाले दिनों में अगर गोल्ड 53,400 से 53,800 के बीच में आता है तो यहाँ से वो घूम जाएगा और उसकी ऊपर की रैली फिर से शुरू करेगा। चलो अब पता करते हैं सिल्वर के ऊपर अगले वीक का हमारा व्यू क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो, शुक्रवार को सिल्वर के अंदर एक अच्छी गिरावट आई थी, लेकिन सिल्वर बंद होने से पहले उसके लो से अच्छा खासा रिकवर किया। शुक्रवार को जो सिल्वर के चार्ट पर कैंडल बनी है उसका हाई है 29.86 डॉलर का, और उसका लो है 27.38 डॉलर का। अगर दोस्तों आने वाले दिनों में सिल्वर 27.38 डॉलर को, यानी कि शुक्रवार के लो को तोड़ता है, तो पूरे चांसेस है कि वो थोड़ा और नीचे जाएगा। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो, सिल्वर के हवरली चार्ट पर एक अच्छा सपोर्ट मौजूद है जो कि आ रहा है 27.4 डॉलर पर। क्योंकि दोस्तों 27.4 डॉलर सिल्वर के लिए हवरली चार्ट पर एक रेजिस्टेंस था, जिसका ब्रेकआउट सिल्वर ने एक बड़ी कैंडल से दिया। अब वह रेजिस्टेंस उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा।
सिल्वर के लिए उसके डेली चार्ट पर सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है 24.52 डॉलर का, क्योंकि दोस्तों सिल्वर 24.52 डॉलर को 6 दिन कंटिन्यू तोड़ नहीं पाया और ये प्राइस के पास उसने 6 दिन कंसोलिडेशन किया और फिर उसका ब्रेकआउट सिल्वर ने एक बड़ी कैंडल से दिया। इसीलिए 24.52 डॉलर सिल्वर के लिए डेली चार्ट पर सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है, जो कि आने वाले दिनों में नहीं टूटेगा ऐसा हमें लगता है। अगर दोस्तों आने वाले दिनों में सिल्वर उसका लो ना तोड़ के उसका हाई तोड़ दे तो पूरे पूरे चांसेस से सिल्वर अपनी रैली फिर से शुरू करेगा, क्योंकि दोस्तों शुक्रवार को जो सिल्वर के चार्ट के ऊपर कैंडल बनी है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने सिल्वर को शॉर्ट किया होगा और अगर सिल्वर उसका शुक्रवार का हाई काटता है तो ये सारे शॉर्ट स्क्वीज हो जाएंगे और वो शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे और अगर सिल्वर के अंदर शॉर्ट कवरिंग आती है तो वो यहाँ से और भी ऊपर चला जाएगा। चलो अब पता करते हैं इंडिया के अंदर, इंडियन रुपी के अंदर सिल्वर का सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। अवरली चार्ट के हिसाब से सबसे पहला सपोर्ट सिल्वर के लिए 72,890 रुपये का आ रहा है और 66,000 सिल्वर के लिए डेली चार्ट पर सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है। हमें लगता है ये आने वाले दिनों में नहीं टूटेगा और अगर सिल्वर इसके पास आता है तो वो एक अच्छा खरीदारी का मौका होगा ऐसा हमें लग रहा है। अगर आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर कोई भी पोजीशन या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके ही बनाएं। तो दोस्तों ये वीडियो था गोल्ड सिल्वर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि आपके साथ वो भी मुनाफा कमा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।